Hello friends, today we are going to see auxiliary verbs. We are seeing only three auxiliary verbs in this. आज हम तीन auxiliary verbs देखेंगे इसमें. Is, am, are. Let us start. Is used for singular person, animal, thing and place. Okay. Is हम कहाँ use करते हैं? Is हम एनिमल्स के साथ यूज करेंगे, पर्सन के साथ, थिंग के साथ और प्लेस के साथ. कोई भी सिंगुलर मतलब सिंगल चीज के साथ, एक ही चीज के साथ. हाँ, और एक चीज अब मैं आप लोगों को बता दूं, आई टेल वन थिंग. इज, एम, आर, दीज थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड इन एंड ओनली इन प्रेजेंट टेंस. Used in present tense, okay? Present tense में use किए जाते हैं. Okay, चलिए हम example देखते हैं. Example देखने से पहले मैं बता दूं आपको, जो भी auxiliary verb होता है वो noun के साथ ही, मतलब noun पहले आएगा और फिर वो auxiliary verb use होने वाला है. Noun से बाद में, नाउन के बाद में यूज होगा. ओके, लेट अस स्टार्ट. देखते हैं, सीता इज माय बेस्ट फ्रेंड. यहाँ पे सीता को बोला जा रहा है, सीता मेरी बेस्ट फ्रेंड है. तो नाउन इज सीता और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गया है इज. ठीक है, सीता यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बोला जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसका यूज किया है. नेक्स्ट देखते हैं, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. डॉग एक बहुत ही फेथफुल एनिमल है. तो डॉग यहाँ पे नाउन हो जा रहा है और ये हमारा इज ऑक्सिलरी वर्ब है. माय बैग इज रेड कलर. मेरा बैग रेड कलर का है. बैग यहाँ पे नाउन है और इज ऑक्सिलरी वर्ब है. ये थिंग के बारे में था. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. ओके, कोलकाता यहाँ पे नाउन है, प्लेस और उसके बाद इज यूज किया जा रहा है. कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल है. ये हमने देख लिया इसके बारे में. चलिए आप बढ़ते हैं एम की ओर. और कुछ एग्जांपल्स बोल देती हूँ मैं आप लोगों को. व्हाट टाइम इज इट. शी इज सो ब्यूटीफुल. शी यहाँ पे प्रोनाउन है. यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल दिए आप लोगों को नाउन के साथ दिए हैं. सेम केस होगा प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन में थोड़ा ही डिफरेंस है तो प्रोनाउन के बाद यूज होगा. ठीक है, चलिए एम की ओर बढ़ते हैं. एम इज यूज फॉर सिंगुलर पर्सन. पर्सन के साथ ही यूज होगा एम. एम ज्यादातर यूज किया जाता है खुद के बारे में ही बोलते हैं जब हम, तब मैं बीमार हूं, आई एम सिक, तो एम यूज करते हैं. जब भी आई ज्यादातर आता है उसमें. ओके, चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. ये मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स लिए हैं. ठीक है, आई एम अ गर्ल. मैं एक लड़की हूं. आई यहाँ पे प्रोनाउन है और एम आपका ऑक्सिलरी वर्ब है. I am going to school. मैं स्कूल जा रही हूँ. ओके, एंड देन I am a teacher. मैं एक टीचर हूँ. यहाँ पे देखिए आप, ये सब प्रोनाउन है और ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स है. I am eating an apple. मैं एक एप्पल खा रही हूँ. ओके, मैं एप्पल खा रही हूँ. I यहाँ पे प्रोनाउन है और ये ऑक्सिलरी वर्ब am. ओके, सपोज मैं आपको और एग्जाम्पल्स देती हूँ. आई एम हंग्री. मैं हंग्री हूं, मुझे भूख लगी है. आई एम नॉट फीलिंग वेल. मेरी तबीयत ठीक नहीं है. ओके, चलिए आप आर की ओर बढ़ते हैं. आर, आर को कब यूज किया जाता है? आर इज यूज फॉर प्लूरल पर्सन, थिंग एंड एनिमल, नॉट फॉर प्लेसेस. ओके, चलिए देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल. दीज आर माई टू फ्रेंड्स. ये मेरे टू फ्रेंड्स है. यहाँ पे देखिए टू है. जब कोई एक के बारे में बोलते हैं तो इज आता है. जब एक से ज्यादा हो जाता है तब हम आर का यूज करेंगे. यहाँ पे ये दीज आर माई टू फ्रेंड्स. ये मेरे दो दोस्त है. अगर ऐसा होता सेंटेंस, दिस इज माई फ्रेंड. अगर एक फ्रेंड के बारे में बोलते तो हम बोलते दिस इज माई फ्रेंड, तब हम इज का यूज करते. द किड्स आर स्लीपिंग. किड्स बच्चे सो रहे हैं. किड्स मतलब एस लगाया मैंने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा बच्चा है. अगर एक होता तो बोलते द किड इज स्लीपिंग, बट यहाँ पे ज्यादा है तो आर यूज किया है मैंने. ओके,
दीज फ्लावर्स आर सो ब्यूटिफुल, ये फ्लावर बहुत खूबसूरत है, फ्लावर्स मतलब बहुत सारे फ्लावर है, इसीलिए आर यूज किया है हमने। टाइगर्स आर कार्निवरस एनिमल, टाइगर कार्निवरस एनिमल होते हैं, कार्निवरस मीन्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, उन्हें कार्निवरस एनिमल कहा जाता है। कार्निवरस यहाँ पे हमारा नाउन है और ये आर, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नाउन के बाद ही यूज किया गया है। ओके और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, सीता और गीता सिस्टर्स हैं। सीता और गीता टू पर्सन्स के बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए आर का यूज किया जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोगों को अगर दूसरे वीडियोस देखने हैं कुछ, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले।